नहीं है बेवकूफ बना रहे मुझे, ये सब लोग भी मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। अच्छा तू करण को मत ले, सुमन से मिलने आएगा ना तब देख लोगे और तुझे भी देख लूंगी मैं। हाँ होश में आओ करण, सचमुच वापस। तुम होश में आओ कार्तिक। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक, अपनी माँ का दिल दुखा रहा है। अच्छा तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी करवा रही हूँ ना, इसीलिए तू ऐसा कह रहा है ना। लेकिन याद रखना तेरी शादी मैं करवा के ही रहूंगी, तू मत जा करण को ढूंढने। करण वापस आ जाएगा और सुमन भी ठीक हो जाएगी, फिर तुझे देख लूंगी। नर्स, पेशेंट को होश आ रहा है। करण में से कोई एक अंदर आइए। पेशेंट को होश आने पर उसके सामने घर का एक सदस्य होना बहुत जरूरी है। बेटा, ठीक। नहीं नहीं नहीं, सुमन से मिलने मैं जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप मत जाइए, आपके जाने से पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। अरे ये कैसी बातें करे बाबूजी, मैं उनकी माँ हूँ, मुझे देखने से उसकी हालत कैसे बिगड़ सकती है। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ एक मिनट, मुझे सुमन से मिलना है। सुमन को पता है करण कहाँ छुपा बैठा है? ये लोग है ना, ये लोग कह रहे कि करण मर गया, लेकिन मैं जानती हूँ ये करण का नाटक है और कुछ नहीं। सुमन मुझे बता देगी। मुझे मुझे एक मिनट जाने दीजिए। इन्हें रोकिए, इनकी हालत ठीक नहीं है। इन्हें देखकर, इनकी बातें सुनकर पेशेंट घबरा सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसको सदमा भी पहुंच सकता है। ये रोकिए इन्हें प्लीज। बहू, तुम रहने दो। बाबूजी, आप भी, आपको क्या लगता है मैं सुमन की दुश्मन हूँ? मैं उसका बुरा चाहती हूँ? नहीं बाबूजी, मैं एक मिनट, सिर्फ एक मिनट सुमन से पूछ कर आ जाती हूँ। करण का क्या? अरे तुम सुमन, सुमन भाभी, सुमन, सुमन भाभी, सुमन होश में आ बेटा। सुमन प्लीज आप इन्हें बाहर ले जाइए, प्लीज आप बाहर जाइए। मैं चली जाऊंगी, बस एक बार मैं सुमन से पूछ तो लूँ करण का है। हाँ सुमन, सुमन बेटा, बेटा करण का है? सुमन करण का है बेटा। माँ मैं, हाँ माँ, चल माँ। माँ अभी सुमन से कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। लेकिन क्यों, करण को थोड़ी कुछ हुआ है जो सुमन को सदमा पहुंचेगा। बात वो नहीं है माँ। फिर सुमन को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, बड़ी मुश्किल से वो होश में आई। अगर होश में आती उनसे ये सब बातें पूछने लगेंगे तो घबरा जाएगी, उसकी जान को भी खतरा है। ना ना, शुभ शुभ बोला करो कार्तिक, ऐसे नहीं बोलते। मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, बस मैं अभी कुछ नहीं पूछूंगी, होश में आने के बाद पूछ लेती हूँ कि करण का है। चाचा जी आप यही रुकी, मैं माँ को लेके जाता हूँ, हम लोग ढूंढ ढूंढ कर। देवर जी, करण के मरने का नाटक कर रहे हो ना आप लोग मेरे साथ?
कोई बात नहीं, सुमन के साथ मत कीजिएगा। अगर उसे पता चल जाएगा ना तो सदमा पहुंच जाएगा बच्ची को। मेरी बच्ची को देख लीजिएगा, हाँ देखेंगे ना, मेरी बच्ची को देखेंगे ना। कार्तिक ने मना किया, इसीलिए सुमन से कुछ पूछा नहीं, उसे होश नहीं आया ना। अब बता करण कहाँ है? माँ, हो सकता है करण घर पर हो। क्यों जाएगा? सुमन यहाँ है, उसकी बीवी अस्पताल में है ना। हो सकता है उसे पता ना हो कि सुमन किस अस्पताल में। ऐसा कीजिए माँ, आप सब लोग घर पर जाइए, मुझे लगता है वो आपको घर में ही मिलेगा। मैं और चाचा जी यहाँ सुमन के पास रुकते हैं, जैसे सुमन ठीक होगी हम उसे घर ले आएंगे। दादाजी आप लोग घर जाइए। ठीक है बहू, घर चलो। है सुमन का ख्याल रखना। हाँ बाबूजी, करण घर पर होगा ना, देखना कैसे सबक सिखाते हो। अम्मा आप बीच में नहीं आएंगे? नहीं बहू, नहीं बोलूंगी। हाँ जब मिलोगी ना तो खूब डांटना उसको। चलो बेटा आओ। प्लीज आप लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है। हमें अभी करण जी से मिलना है। चाचा जी हमें, कार्तिक जी हमें करण जी से मिलना है। सुमन शांत हो जाइए, करण आपकी दवाई लेने गया है, ये आता ही होगा। आप आराम कीजिए। करण जी ठीक तो है ना? करण, देखे करण की बदमाशी। अरे ये उसकी उम्र है बचपना करने की, उसकी पत्नी वहां अस्पताल में है, इलाज चल रहा है उसका, और वो यहाँ छिपा हुआ है। देखना अभी कान पकड़ कर ले आती हूँ। करण ऊपर ही होगा। करण, करण, करण कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। सुमन अब साहब ने क्या कहा है बेटा? बेकार की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा। करण, करण आ जाएगा बेटा। जब तक हम करण सिंह को देख नहीं लेते हमें चैन नहीं मिलेगा। ठीक है मैं करण को लेकर आता हूँ। कार्तिक जी उन्हें जल्दी लेकर आइएगा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। बेटा आराम।
क्या किया आपने? क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या गलती थी उसकी? क्यों अलग कर दिया दोनों को? क्या कहूं मैं उसको जाकर? क्या कहूं? कि करण नहीं आएगा? कैसे बर्दाश्त करेगी वो सदमा? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। मुझसे कादंबरी का ये पागलपन देखा नहीं जाता जी। मैं अभी जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। नहीं चंद्रिका, अभी वक्त नहीं है। कादंबरी को थोड़ा वक्त और दो। सामने आ जा बेटा, अपनी मां को इतना मत सता। करण, 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 सच्चाई जितनी जल्दी बता दे वही अच्छा है। नहीं विद्या, हर चीज का एक सही वक्त होता है। करण, देखो सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं बेटा। करण, बहुत हो गया, अब तो मेरे सामने आ जा। करण, करण, तू कहाँ है बेटा? देखो वहां सुमन की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है। अम्मा, 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 वो करण कहीं नहीं मिला। सब जगह ढूंढ कर आई मैं, पता नहीं कहाँ चला गया वो। देखो ना अम्मा, कितना दुष्ट हो गया है वो। कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह तंग करता है? भूल गए, गाय घर में होगा। गाय घर में तो मैंने देखा ही नहीं उसे। तुम लोग सब मुझे याद ही नहीं दिलाते। करण, करण, चाची जी, बहू, ये सब कुछ सुमन की वजह से हो रहा है। करण को तो खा गई, अब लगता है कि भाभी को भी पागल करके छोड़ेगी। करण, कहाँ हो तुम? करण, 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 अपनी माँ को तंग मत करो। बहू, अम्मा, हाँ, वो करण यहाँ भी नहीं है। करण, अरे हाँ, छत पर देकर आती हूँ। रुको कादंबरी। चाची जी, हाँ? वो अगर छत पर होता तो आपकी आवाज सुनकर आ जाता ना। वो शायद कहीं बाहर गया होगा। बाहर गया? सुमन को इस हाल में छोड़कर अब कहाँ ढूंढे उसे? बहू, अरे करण कहीं आसपास ही गया होगा, देखना जल्दी आ जाएगा वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो।
हमारा करण कोई बच्चा तो है नहीं जो कहीं छुप कर बैठ जाएगा। तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हमारा करण जल्दी आ जाएगा बेटा। चलो ठीक है, चल आने दो उसे। हाँ हाँ, मैं भी करण को देख लूंगी। चलो तक नहीं है। करण, करण चला गया बेटा भाभी के साथ घर। इसे कैसे करण जी चले गए? आप लोगों ने कहा था कि वो दवाई लेने गए, फिर वो घर क्यों चले गए? वो हमें बाहर मिला था, मैंने उसे घर वालों के साथ भेज दिया। क्या है, रात भर सब लोग सोए नहीं है ना, इसलिए। अर्थिक जी, करण जी को चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ठीक है। कार्तिक जी, हमें करण जी से मिलना है। हाँ, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर्स ले लेता हूँ, आप लोग निकलने की तैयारी कीजिए। कार्तिक जी, एक बार हमारे करण जी से फोन पर बात करवा दीजिए ना।